अखिलेश ने ऐसा क्या किया ऐलान जिससे जानकर मायावती हो गई होंगी हैरान। सोच तो जरूर रही होंगी, अखिलेश तो इस मामले में अपने साथ हैं। अखिलेश पर मायावती हैं आक्रामक, फिर क्यों अखिलेश ने इस मामले में मायावती का दिया साथ। कांशीराम ने मायावती अखिलेश के बीच कराई एकता, क्या कभी बदलेगी दोनों की शक्ति से यूपी की सियासत। अखिलेश और मायावती की राजनीति के रास्ते भले यूपी में अलग हों, भले ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से सपाइयों को ये कहा गया हो मायावती का नाम सम्मान से लिया जाए, भले ही अखिलेश के कहने के बावजूद मायावती की ओर से उन्हें गिरगिट जैसे शब्दों की उपमा से नवाजा गया हो। ये बात और है जब मायावती कहती हैं तो अखिलेश के चेहरे पर एक दर्द छलकता है, तभी तो 2019 के उस दौर को अखिलेश याद करते हैं, अपने उस सपने को सियासत की सतह पर रखते हैं, वो सपना जो अखिलेश ने मायावती के लिए देखा था। अखिलेश और सपा की ओर से बीएसपी प्रमुख मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का भरपूर प्रयास किया गया ताकि दलित समाज को एक बड़ी प्रेरणा मिल सके। कुल मिलाकर इस वक्त मायावती की राजनीति अखिलेश की राजनीति से 36 का आंकड़ा बनाकर रखना चाहती है, लेकिन एक मामले पर मायावती अखिलेश के सुर में सुर मिला रही हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसा चाहते हैं, बीएसपी प्रमुख मायावती भी ठीक वैसा ही चाहती हैं। ये बात और है कि बीएसपी प्रमुख मायावती सिर्फ एक को सम्मान देना चाहती हैं, जबकि अखिलेश की लिस्ट में 5 नायक हैं। उन 5 नायकों को अखिलेश भारत रत्न दिलाना चाहते हैं, लेकिन मायावती सिर्फ एक के लिए ही भारत रत्न की मांग कर रही हैं। फिलहाल इस एक नेता के मामले में दोनों ही नेताओं के रास्ते एक हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो मांग भारत सरकार से की है उसी मांग के साथ बीएसपी प्रमुख मायावती अपनी हामी भर रही हैं। दरअसल भारत सरकार ने समाजवादी प्रतीक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी 5 नेताओं के लिए भारत रत्न की मांग कर दी। यूपी की राजनीति में कभी अहम स्थान रखने वाले उन 5 नेताओं में एक बीएसपी संस्थापक कांशीराम भी हैं। कांशीराम के लिए अखिलेश के साथ बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी भारत रत्न की मांग की। बसपा प्रमुख मायावती ने मांग की है कि पार्टी संस्थापक और दलित नेता कांशीराम को भी भारत का शीर्ष नागरिक सम्मान दिया जाए। मायावती ने कहा कि इससे कांशीराम के करोड़ों अनुयायियों की इच्छा पूरी होगी। 24 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने इससे जुड़े कुछ पोस्ट किए। मायावती ने कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न से सम्मानित करने का स्वागत किया। उन्होंने कहा, बिहार के 2 बार सीएम रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का केंद्र सरकार का फैसला देर से ही सही, लेकिन स्वागत योग्य है। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के परिवार और उनके अनुयायियों को भी बधाई दी। मायावती ने कांशीराम और कर्पूरी ठाकुर के योगदानों की तुलना की। उन्होंने वंचितों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में कर्पूरी ठाकुर और कांशीराम के योगदान की तुलना करते हुए लिखा, बसपा के संस्थापक कांशीराम जी का दलित और दूसरे उपेक्षित वर्गों को स्वाभिमान के साथ जीवन जीने देने और स्वावलंबी बनाने में दिया गया योगदान ऐतिहासिक और अविस्मरणीय है। वहीं अखिलेश ने कांशीराम के अलावा राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव और बीपी मंडल के लिए भारत रत्न की मांग की। अब जिस तरह से अखिलेश ने मायावती के साथ मिलकर कांशीराम के सम्मान के लिए भारत सरकार तक अपनी बात पहुंचाई, क्या माना जाए आने वाले दिनों में मायावती ने जो अखिलेश के लिए अपनी राय बनाई है उसमें बदलाव होगा।